रायपुर के केंद्रीय गांव में हुई 5 लोगों की मृत्यु के मामले में जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने आज गांव जाकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली घटना है जब किसी ने अपने साथ 4 लोगों की जान ली है। अमित ने कहा कि कोई भी आदमी ऐसा तभी करता है जब उसका खुद, समाज और सरकार तीनों से भरोसा उड़ जाता है। इस दौरान अमित जोगी ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बाहर निकलकर जेसीसीजे समाज के प्रति अपनी जवाबदाही का निर्वहन करती है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक और मानसिक रूप से डिप्रेशन का शिकार हो रहे लोगों के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत किया जाएगा जहां वे अपनी समस्याओं पर खुलकर बात कर सके। सरकार को चाहिए कि एक हेल्पलाइन चालू करे, जो लोग मेंटली डिप्रेस्ड हैं, मानसिक रूप से हताशा में हैं, उनकी सहायता के लिए एक दूसरे से जब कोई बात करेंगे तभी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आज ही से ये घोषणा कर रहा हूं कि मेरे स्वर्गीय पिताजी का जो फोन नंबर था वो एक हेल्पलाइन के रूप में मैंने तब्दील किया था। अब उसे विशेष रूप से जो लॉकडाउन के दौरान डिप्रेस्ड लोग हैं उनकी हेल्पलाइन के लिए 24 घंटे कोई ना कोई साइकोलॉजिस्ट